हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ नॉनवेज लवर के लिए बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी तंदूरी चिकन के शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड, ये तो बिना तंदूर बिना ओवन के ही बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाते हैं, और वो भी एक स्मोकी तंदूर वाले फ्लेवर के साथ। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को यहाँ पर मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें चिकन को कुछ इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने से फ्रेंड होता क्या है, आप जो भी मसाले इसमें डालेंगे वो चिकन में बहुत अच्छी तरह से अंदर जा पाएंगे। कट लगाने के बाद तुरंत ही इसे एक दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। फिर इसमें कुछ हम मसाले को डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम 4 टेबलस्पून दही लेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर चीनी पाउडर लें, 1 टेबलस्पून इसमें हम हल्दी का पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें, 2 टेबलस्पून इसमें हम गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम जिंजर का पेस्ट डालेंगे, और सभी मसाले को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। पर इसका फ्रेंड अभी कलर बहुत ही फीका लग रहा है, तो इसमें हम 1 से 1.5 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप मसाले को चिकन में बहुत अच्छी तरह से कोट कर लें। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। तंदूरी मसाला से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। मसाले को आप सभी जगह अच्छी तरह से लगा दें, जितने भी कट हमने लगाए हैं सभी में आप अच्छी तरह से मसाले को लगा दें। फिर इसे ढककर 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे के बाद चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे, 1 चम्मच बटर लेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देंगे। फिर स्लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हम 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। लीड से कवर कर दे फ्रेंड। चिकन का पीस काफी बड़ा है तो इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम में ही कुक करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। 10 मिनट बाद चलिए इसके लीड को हटाकर इसको एक बार पलट लेते हैं। पलटने के बाद फिर से इसमें लीड लगा दें, और इस बार हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। 8 मिनट लगभग हो चुके हैं तो चलिए चिकन को एक बार चेक कर लेते हैं। ये बढ़िया से कुक हो गए हैं फ्रेंड, पर इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर थोड़ा और कुक कर लेते हैं ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा से आ जाए। बहुत अच्छा से इसका कलर आ गया है फ्रेंड। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे हम डायरेक्ट गैस पर एक जाली रखकर उसके ऊपर चिकन को डालेंगे। और लगभग 1 मिनट के लिए अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पर इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, एक तंदूरी फ्लेवर का टेस्ट आ जाता है। आप ये प्रोसेस जरूर करें। दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया रोस्ट हो चुके हैं फ्रेंड। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब इसे एक पैन में डाल लेंगे। डालने के बाद गैस पर एक छोटा चारकोल लेंगे, उसको अच्छा से गर्म करके इसके ऊपर डालेंगे। फिर इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद तुरंत ही इसके लीड से आप कवर कर दें। 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है बिल्कुल तंदूर वाला। फिर इसके लीड को हटा के चेक करते हैं, चिकन बहुत बढ़िया से बन चुका है। चलिए इसकी प्लेटिंग को करते हैं। आप इसके ऊपर लेमन जूस थोड़ा डाल दें, थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है।
एक बार आप तंदूरी चिकन को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए हो फ्रेंड तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।